हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोने का फूड रेसिपी। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जिसका नाम है मालपुआ, जिसे आप बिना मावा के भी बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप थोड़ी सी टिप और ट्रिक्स के साथ इसे बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक बाउल ले लेना है और यहाँ पर हम इसमें 2 कप मैदा डाल देंगे। आप यहां पर इसकी मेजर के लिए कोई भी बाउल या फिर कप ले सकते हैं। और यहां पर हम 2 कप मैदा डालने के बाद यहां पर मैंने 1/4 कप इसमें सूजी डाल दिया है। आप यहां पर सूजी महीन या फिर मोटी वाली भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहां पर हम 1 कप दूध डाल देंगे और इसके बाद हम यहां पर 2/3 कप इसमें चीनी डाल देंगे और यहाँ पर इसे हम 1 स्पून से अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर 1 कप दूध और डाल देंगे और यहाँ पर फिर से इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। और ये देखिए इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। और ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसे छोड़ देते हैं ताकि ये फूल कर सेट हो जाए। तो इसे हमें कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देना होगा ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अगर आप इसे मॉर्निंग में बनाना चाहते हैं तो रात में ही इसका बैटर जो है उसे आप अच्छे से घोल दें और इसे छोड़ दें फूलने के लिए और सुबह इसे बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छे से फूल गया है और कुछ इस तरह से ज़्यादा ये थिक हो गया है। तो अब हम इसमें 1/4 कप ये कटा हुआ नारियल डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्रेश नारियल को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। और यहाँ पर हम 1/4 चम्मच सोडा डाल देंगे, जो मीठा सोडा होता है वो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, जो खाने वाला सोडा होता है। यहाँ पर आपको बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं करना है। और ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। तो देखिए जो बैटर है वो फूलने के कारण थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो यहाँ पर हम इसमें दूध डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप दूध लिया है और 1/2 हम इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम बचा हुआ दूध भी इसमें डाल देंगे। यानी कि मैंने पूरा 1/2 कप दूध इसमें डाल दिया है। और एक बार फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बैटर की जो कंसिस्टेंसी है कुछ इस तरह से, ना गाढ़ी है और ना पतली है। इसे हमें ना ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ही पतला। और यहाँ पर मैंने पहले से ही गैस पर कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर देखिए तेल जो है वो गर्म हो गया है। तो मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप में थोड़ा सा बैटर लेकर इस तरह से हम डाल देंगे इसमें। और यहाँ पर आपको गैस का फ्लेम जो है वो लो करके बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दें, उसके बाद गैस का फ्लेम जो है वो लो कर दीजिए और लो फ्लेम पर ही आपको धीरे धीरे इसे पका लेना है। और पहले आप एक ही पुआ डालकर इस तरह से बनाकर तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है। तो इसे हमें दोनों साइड से अच्छे से पका लेना है ताकि ये जो पुआ है वो अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो अगर आपका जो गैस का फ्लेम है अगर हाई रहेगा तो ये जो पुआ है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। और ये देखिए इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। हमें इसी तरह से इसे निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए मैंने इसे इस तरह से निकाल लिया है। और ये देखिए इसका जो कलर है वो कितना अच्छा आया है और अच्छे से ये फूला भी है। और यहाँ पर हम इस तरह से बैटर को इसमें डाल देंगे। तो देखिए ये जो पुआ है वो अपने आप ही फूल गया। और हम थोड़ा सा तेल इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे और इसे हम पलट देंगे और इसे हम साइड कर लेते हैं इस तरह से। और ये जो खाली जगह है उसमें हम इस तरह से बैटर फिर डाल देंगे। अगर आप इस तरह से पुआ बनाते हैं तो आपके पुए जो हैं वो एक बार में 3 से 4 आराम से बन जाएंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से ये फूल गया है। तो इस तरह से हम इसे पलटकर साइड कर देंगे और फिर से हम ये जो खाली जगह है यहाँ पर फिर से हम बैटर को डाल देंगे। और यहाँ पर जो पुआ हमारा पक गया है उसे हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद ये देखिए जो खाली जगह बच गया है उसमें हम फिर से बैटर डाल देंगे। तो इसी तरह से हम सारे पुए को बनाकर तैयार कर लेंगे। पुआ को फ्राई करने के टाइम आपको तेल की जो मात्रा है उसे
ज़्यादा ही रखना है, जिससे पुआ जो है वह अच्छे से फूल जाता है। और यहाँ पर इसी तरह से सारे पुए को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और इसे मैंने एक प्लेट में इस तरह से सर्व कर लिया है। तो यहाँ पर मैं एक पुआ को आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये अंदर से कितने अच्छे से पक गया है। तो अगर आपको ये मेरी पुआ की रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।